बिग बॉस सीजन 18 के घर में शुरू हुआ टाइम गॉड का टास्क। करण वीर मेहरा ने खेल गए दिग्विजय सिंह राठी और अविनाश मिश्रा विवेन डिसेना हुए नाराज। कैसे करण ने मारी एक बार फिर गेम में सबसे बड़ी कर दी प्लानिंग, विवेन डिसेना का पूरा ग्रुप हुआ हैरान। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। आखिर क्यों कंटेंटर बनकर भी नहीं बन पाए हैं करण वीर मेहरा टाइम गॉड? कैसे अविनाश ईशा और विवेन को हुई है करण वीर मेहरा के ग्रुप से सबसे बड़ी जलन? करण वीर खेल गए सबसे बड़ा गेम टाइम गॉड टास्क में, करण वीर मेहरा को मिला सबसे बड़ा सपोर्ट। दोस्तों बिग बॉस के घर में टाइम गॉड का टास्क शुरू हो चुका है और ये टाइम गॉड के टास्क में अविनाश मिश्रा, करण वीर मेहरा, चुम तरंग श्रुतिका और चाहत पांडे हो या दिग्विजय सिंह राठी हो, विवेन डिसेना हो। हालांकि मैं आपको बता दूं कि विवेन डिसेना इस टाइम गॉड के टास्क में ज्यादा एक्टिव नहीं है और वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अविनाश को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनका ग्रुप जो है वो इनकी जो दोस्ती है, जो दोस्ती पहले थी वो अब वैसी नहीं रही है। अविनाश मिश्रा सबसे ज्यादा दावेदारी रख रहे हैं टाइम गॉड के लिए। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से टास्क डिजाइन किया है बिग बॉस ने। यहाँ पर बिग बॉस ने डिजाइन किया है एक टैक्सी गेम और ये होगा, यहाँ पर कुछ टैक्सी ड्राइवर होंगे जिसमें करण वीर मेहरा, अविनाश मिश्रा और दिग्विजय सिंह राठी होंगे और साथ होंगे पैसेंजर, बाकी जो भी घर वाले हैं वो पैसेंजर होंगे और यामिनी और साथ ही साथ चाहत पांडे जो है वो होंगे ट्रैफिक हवलदार। ये ट्रैफिक हवलदार जो है वो करेंसी को लेने का, यानी कि करेंसी से फाइन मारने का, टैक्सी ड्राइवर को फाइन मारने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो पैसेंजर हैं उनके पास है बीबी करेंसी। अब जिसके पास होगा सबसे ज्यादा बीबी की करेंसी, जिसके पास होगा सबसे ज्यादा पैसा, वो बनेगा घर का नया टाइम गॉड। और बिग बॉस ने इस गेम को डिजाइन भी इस तरीके से किया है कि ये गेम एक बार फिर विवेन डिसेना के ग्रुप को ही सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि भले ही करण वीर मेहरा को सबसे ज्यादा कंटेस्टेंट का सपोर्ट मिला है, लेकिन आखिर क्यों करण वीर नहीं बन पाए हैं टाइम गॉड? जैसा कि आपको पता ही है कि करण वीर मेहरा कितने दिनों टाइम गॉड बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऑलमोस्ट टाइम गॉड का थप्पा उन पर लग चुका है। करण वीर मेहरा यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर बने और इस समय करण वीर को सपोर्ट कर रही थी चाहत पांडे, दिग्विजय सिंह राठी, यामिनी ने सपोर्ट किया, साथ ही साथ चुम तरंग श्रुतिका और करण वीर को सपोर्ट मिला है शिल्पा जी का। वही शिल्पा जी का सपोर्ट जिसके तरफ जाता है वो हारना तो बनता है। और आप खुद सोच के देखिए कि अगर शिल्पा का सपोर्ट करण को मिलेगा तो क्या कभी करण टाइम गॉड बन पाएगा? तो जी हाँ, ऐसा ही एक बार फिर हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं दिग्विजय सिंह राठी के पास भी अच्छी खासी करेंसी है, लेकिन करण वीर मेहरा ने चल दी है सबसे बड़ी प्लानिंग। करण वीर को पता है कि इस समय घर में वो टाइम गॉड तो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि विवेन का पूरा ग्रुप भले ही टूट चुका है, लेकिन आज भी विवेन डिसेना और अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह कभी नहीं चाहेंगे, तेजिंदर बग्गा, रजत लाल कभी नहीं चाहेंगे कि करण, जो इतना बड़ा मास्टर माइंड है, वो कभी भी टाइम गॉड बने। इसीलिए विवेन डिसेना ने भी इनडायरेक्टली अविनाश को कर दिया है इस टास्क में सपोर्ट। रजत दलाल ने बदल दिए हैं अपने समीकरण। रजत ने कहा कि कुछ भी करके हमें इस टास्क में करण से करेंसी जो है वो लूटनी है, करण के पास ज्यादा करेंसी नहीं होनी चाहिए, उनके ग्रुप में वो सबसे ज्यादा शातिर है, सबसे ज्यादा शाना है और इसको हमें हराना है। तेजेंद्र बग्गा साथ दे रहे हैं अविनाश मिश्रा का और अविनाश के पास भी एक बड़ा सपोर्ट है। करण वीर ने सबसे बड़ा गेम खेला। दरअसल करण वीर जो है वो खुद करेंसी न रखकर करेंसी दे दिया है चुम दरंग को, यानी कि चुम को ये अधिकार दे दिया है कि वो कंटेंटर बने। यहाँ पर करण वीर जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं अपने दोस्तों को। चाहत पांडे करेंसी दे रही है करण वीर मेहरा को, दिग्विजय ने सपोर्ट किया है करण को, श्रुतिका ने सपोर्ट किया है करण को, लेकिन बावजूद करण ने कहा कि मुझे अगर मैं कंटेंटर बनता हूं तो जाहिर सी बात है कि विवेन, अविनाश और ईशा, तेजेंद्र बग्गा, रजत लाल, ये लोग मुझे कभी भी टाइम गॉड नहीं बनने देंगे, तो मैं चुम तुम्हें देता हूं ये सारी करेंसी और जितनी करेंसी होती है वो करेंसी इकट्ठा करो और ये सारी करेंसी चुम को दिया जाए। हालांकि अब जो लेटेस्ट अपडेट है टाइम गॉड के टास्क में, सबसे ज्यादा जो है वो करेंसी पहुंच चुकी है अविनाश मिश्रा के पास। दिग्विजय सिंह राठी हैं तीसरे पोजीशन पर और कंटेंटर बन गए हैं चार कंटेस्टेंट, वो है चुम दरंग, साथ ही साथ इस लिस्ट में दिग्विजय सिंह राठी का नाम है, इस लिस्ट में अविनाश मिश्रा का नाम है और रजत दलाल का नाम है। तो ये चार वो दावेदार हैं जो घर में बनेंगे नए टाइम गॉड। इन चार में से चुना जाएगा टाइम गॉड। इसमें ना ही विवेन डिसेना का नाम है और ना ही करण वीर मेहरा का,
जैसे ये बातें पता चली, अविनाश मिश्रा को, विवेन डिसेना को और ईशा सिंह को सबसे ज्यादा गुस्सा फूटा है करण पर, और उन्होंने समझ लिया है कि अब करण गेम खेल चुका है। जैसे कि उसने दिग्विजय को टाइम गॉड बनाया था, दिग्विजय को उसने पूरी तरीके से हैंडल किया था, ऐसा ही गेम करण एक बार फिर खेलना चाहता है चुम के साथ। तो विवेन के भी पूरा ग्रुप जो है वो तैयार हो चुका है कि कुछ भी करके चुम को नहीं जीतने दिया जाएगा इस टाइम गॉड के टास्क को। फिलहाल के लिए आप बताना कमेंट बॉक्स में, क्या आपको भी लगता है कि करण का ये मास्टर स्ट्रोक था, या फिर आपको लगता है जी नहीं, करण को यहां पर खुद ब खुद एज एन कंटेंटर खड़ा होना चाहिए, करण को भी एक मौका मिलना चाहिए कि वो टाइम गॉड बने। एटलीस्ट देखा जाए कि टाइम गॉड बनने के बाद करणवीर मेहरा क्या करते हैं घर में, किस तरीके से अविनाश, ईशा और विवेन की क्लास लगाते हैं, रजत दलाल के समीकरण को बदलते हैं, तेजेंद्र बग्गा को चाय पिला पिला कर किस तरीके से मारते हैं, ये सारी चीजें देखने को मिले। आप भी क्या चाहोगे, क्या आपको लगता है कि जी हाँ अविनाश बने या फिर करणवीर मेहरा बने या फिर चुम या श्रुतिका, किससे आप टाइम गॉड बनते देखना चाहते हैं? मैं जानना चाहूंगा आप सभी का ओपिनियन कमेंट बॉक्स में, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।